नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं अजमेर में और यहाँ पर फार्मिंग वाले जो गोट है, ईद वाले जो बड़े बकरे हैवी वाले, वो दिखाएंगे। भाई ने काफ़ी शानदार कलेक्शन किया हुआ है तो वो हम दिखाएंगे। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर परिचय दे दीजिए एक बार। सर मेरा नाम रवि है, अजमेर राजस्थान विलेज का एड गाँव जी, यहाँ पे मेरा फार्म है। इतना ज़्यादातर ट्रेडिंग का काम है ये। हाँ। तो कुर्बानी के बकरे हैं। अच्छा। तो ये तो क्या अपने 6 महीने पहले से, साल भर पहले से स्टार्ट करने लग जाते हैं। अच्छा, मतलब कितने लोट तैयार करते हो भाई आप? ये तो वही 50-60-70 बकरों का अलग अलग लोड कर लेते हैं। अलग अलग लोड। हाँ, जैसे तो काफ़ी शानदार है भाई ये तो है। हाँ, ये हैवी बकरे भी हैं। हैवी बकरे हैं, अच्छी क्वालिटी के। तो भाई पहले ये काफ़ी शानदार बकरा है, ये काफ़ी हाइट में भी है, ये दिखा दो भाई एक बार। जी अभी दिखा, शुरुआत इसी से करते हैं जी। भाई हाइट काफ़ी शानदार है इसकी। हाइट अच्छी है, देख ले कितनी होगी भाई इसकी। इसकी हाइट करीब 43-44 के करीब है। इसकी 43-44 होगी इसकी। ये मेरी कमर से ऊपर है अपने पेट के। क्या वजन क्या होगा इसका? इसका वजन आएगा करीब 75-80 के करीब। इसका 80 केजी का आसपास का वजन है इसका। कितने दांत का होगा ये? ये भी 6 दांत का वगैरह है। 6 दांत का है। हाँ भाई, सबसे हाइट का ही है ना? हाँ, सबसे जिसकी ऊंची हाइट है वो यही बकरा है। तो ये कलेक्शन का ही है आपका? ये कलेक्शन किया या आपने, मतलब ये कलेक्शन भी करते हैं और कुछ घर के बकरे भी रखते हैं। अच्छा, ऐसी है जैसे 2-4 महीने पहले से कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जंगल जंगल से, चारों तरफ से, गांव से। अच्छा अच्छा, गांव के काफी शानदार बकरे मिल जाते हैं ना? हाँ, वो क्या की जैसे ये खस्सी है। खस्सी है ये वाला? खस्सी तो सारे होंगे ये। हाँ, ये खस्सी, एक दो बकरे अंडूल इसके अंदर। टोटल कितने हैं ये? अभी 30 पीस का लोट है। 30 है टोटल। अच्छा, और ये भाई? ये देखिए आप, ये क्या वजन? ये मात्र 4 दांत का बकरा है। 4 दांत का वजन जी। अच्छा, वजन क्या होगा इसका? वजन आएगा इसका 85-90 केजी के करीब। 85-90 केजी के आसपास का। अच्छा, और ये देखिए, और दिखा दो भाई। हाँ, ये देखिए, ये है अंडूल बकरा, इसके पैर बांधे हुए हैं। अच्छा, ये क्या बकरे इन पर परेशान करता है बच्चों पे। कितने दांत हो गए ये? अभी 4 दांत का बकरा है। 4 दांत का है। अच्छा, सारे एक बार देख लेते। और भाई मैं अभी बकरन थोड़ा गिरवा दे एक बार। ये ओरिजिनल सिरोही नस्ल है, अच्छी इसकी हाइट लेंथ है, गोलाई है, खुले कान है पूरे लंबे। तो इसके अंदर तो खूबसूरती देखी जाती है। हाँ, खूबसूरती भाई, जैसे कुर्बानी के बकरों में जैसे किसी का सिंग कटा हुआ, टूटा हुआ नहीं हुआ, कान कटा हुआ नहीं हुआ, किसी तरह का नुक्स नहीं हुआ है। हाँ। ये। और ये वाला मुंडा? ये मुंडा, ये अंडुल बकरा है। खुराक तो इनकी चलती रहती होगी? हाँ, खुराक तो इनकी शाम शाम को अपनी, ये भरावा ही रहता है ना। हाँ, ये तो शाम शाम को देते हैं अपन डाइट। अच्छा, जितना मर्जी आए इतना खा सकते हैं? ये खा सकते हैं, इनके हिसाब से खा लेते। रखा हुआ पर कोई खा नहीं रहा है, इसका मतलब खा चुके हैं वो। के खा चुके हैं बकरे, ये शाम शाम को एक बार डाइट दे देते हैं ताकि बकरे आराम से पेट भर के खा पी के बैठ जाते हैं। केवल दाना ही देते हैं और भी? हाँ, दाना है जैसे ये जो है और बाजरे की चूरी वगैरह हो जाती है। ये वाला? हाँ, ये जी। क्या वजन का होगा इसका? वजन आएगा 70-75 केजी के करीब। इसकी अच्छी हाइट है, ये देख लो, और ये लेंथ इसकी अच्छी है, जो ये गर्दन की जो लंबाई है ये इसकी। शाइनिंग काफी शाइनिंग अच्छी भी है बकरे इनमें, शाइनिंग काफी शानदार है इसकी। हाँ, शाइनिंग तो ये देखो, अभी इनको खिलाने पिलाने पे डिफरेंट होता है। अच्छा, जैसे अच्छा खिलावा है, अच्छी क्वालिटी का बकरा निकले ऐसा है। अभी अपन उसको खिलावे कुछ नहीं तो फिर वो बकरा कमजोर है भाई। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो रेट किस हिसाब से आप सेल करोगे? ये पट्टी के हिसाब से दे देंगे। पट्टी के हिसाब से रेट से? तो वैसे क्या है, अगर कस्टमर को रेट बतावे तो उसको बोले 400 रुपए पर केजी, तो वो क्या बोले 300 रुपए, 350 इतने में हमारी खरीदी नहीं है। तो फिर बाद में फिर वो यहाँ आवे, उसको बकरे को गुड़ का पानी पिलावे, जो खिलावे, मतलब चरा फरा के उसका वजन करावे, वहां तक कस्टमर के घर पे जावे तो बकरा वजन तोड़ देवे 4-5 केजी के करीब। और फिर इसका जो ओरिजिनल लाइव वेट है उसमें भी
इसमें भी कम हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे एक बकरे पे 5-6 kg वजन कम हो जाता है, तो इसमें फिर वो क्या अगला कस्टमर सोचता है कि इसने कुछ जोल जाल किया होगा, तो इसीलिए फिर वो क्या कि पट्टी पे, जिसको पट्टी पे चाहिए तो उसको पट्टी पे दे देंगे और वजन से लेंगे तो 400 रुपए पर केजी के हिसाब से दे देंगे। हाँ वही पड़ती है, जैसे बकरे को अगर मेरे को रेट में नहीं परोड़ रहा है तो मैं इसको खिला पिला के वो वही करके दूंगा फिर। तो अगर उसको लग रहा है भाई पट्टी अगर ठीक ठाक मिल रही है तो पट्टी से भी। हाँ भाई पट्टी के जैसे उसके कितने की मैं जमे, अभी मेरे मेरा ये माल है मैं कितने भी रुपए मांगू, अगले की बंदी वो मतलब मर्जी है कितने भी रुपए देवे, वो ऐसे डिफरेंट है। नहीं इसमें भाई ऐसा भी है ना, काफी लोग बंदे क्या की एक बार्गेनिंग करते हैं वेट के हिसाब से। हाँ। जैसे आपने 400 रुपए बता दिया तो वो तोड़ तोड़ा के जैसे 350 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं और जगह से परचेज करेंगे। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर उनको मतलब ऐसा कुछ लगे कि भैया इनके पास सस्ता आ रहा है बकरा हमारे को महंगा दे रहे, तो एक बार आप जंगल चलो, जंगल में एक बकरा लो, उसको खरीद के वजन करो, फिर हमारी खरीदी आपकी खरीदी सेम हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं है, क्या समझ आ जाएगा। तो एक उनको खुद को भी समझना चाहिए, खुद को भी समझना चाहिए। अभी जैसे आज की प्रेजेंट टाइम की ताजा की मैं आपको बात बताता हूँ, आज 350 रुपए पर केजी अपन जब ये बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइव वेट इसमें भाई जो नॉर्मल 350-300 रुपए पर केजी के अंदर आज के टाइम में बच्चा मिल रहा है, आपने बच्चा जो 600 रुपए के लिए तो मीट हो रहा है आपने, तो उसका आधा कितना हो गया 300 रुपए पर केजी हो गया। तो मतलब इसमें ये एक चीज ये भी है कि जैसे ये कुर्बानी का जो बकरे होते हैं, हाँ ये इसको अच्छी जो मतलब एक अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्वालिटी की भी है, उसको डाइट देनी पड़ती है। हाँ नहीं सबसे बढ़िया क्वालिटी के, पहले तो ये कि सबसे बढ़िया क्वालिटी के आप छाटो लो, और दूसरा ये कि किसानों के सबसे अच्छे बकरे वो मिलते भी महंगे हैं, और जैसे आप अभी आप कह रहे हो तो फीड का जैसे इनका खर्चा बहुत महंगा पड़ता है, खर्चा तो महंगा पड़ता है सर। अभी आपकी आज की डेट में देख लो, आप एक आप कटिंग का माल ले रहे हो, एक ये आप कुर्बानी के बकरे ले रहे हो फार्मिंग बकरे, तो फार्मिंग बकरों में और इन बकरों में आपको ज्यादा नहीं तो 50-60 रुपए पर केजी रेट का फर्क आ जाएगा। और कटिंग में अभी बकरे का चाहे काला हो पीला हो राता हो लाल हो कैसा भी हो, उसका गोश्त का जो भाव है वो 600 रुपए किलो ही मिलने वाला है, बिल्कुल, चाहे वो कैसा भी हो। हाँ। और हम आपको अच्छी क्वालिटी के बकरे प्रोवाइड करा के देंगे या हम आपको ला के देंगे, हम जिस कस्टमर से रेट मांगते तो वो क्या समझता है यार ये तो बहुत ज्यादा रेट बता रहा है, इसमें ये भी है ये खूबसूरत भी होने चाहिए, शानदार होने चाहिए, वही और मतलब एक अच्छा वेट गेन वाला भी होना चाहिए, वेट गेन भी होना चाहिए। क्या खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे तो अब आपको पता है खर्चे तो बढ़ते हैं, डाइट भी देनी पड़ती है इनको। बिल्कुल, वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो सोचते हैं यार 350 में या 400 में मिल जाए तो वो थोड़ा एक अजीब से लगता है कि हाँ, मतलब वही, एक अच्छे बकरे को आप मतलब तोल के हिसाब से भी ले रहे हो तो कम से कम कीमत देने की कोशिश कर रहे हो, तो अब समझना है कि वो नहीं मिल पाएगा, मिल ही नहीं पाएगा होगा ना, फिर वो मिलेगा तो फिर वो आपको पता है वही मतलब गुड़ का पानी पिला के जो खिला के। अभी आज के टाइम में मार्केट के अंदर अपन जब पाले जी लेने जावे किसी दुकान पे तो अपने को 5 रुपए दे रहा है, दुकान वाला 5 रुपए का दे रहा है, और वही किसी डीलर से ले रहा है 3.5-3 रुपए का ले रहा है, तो एक जो 1 रुपया तो बीच में वो भी कमाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो वाली बात है। अब हम भी इसमें 400-500 रुपए नहीं कमाएंगे तो फिर मतलब नहीं है। तो इनका जैसे आपने खरीदा होगा तो इनकी फीड वगैरह का भी आपका यो सारा ही देखो, अभी स्टॉक करवा रखा है 40-50 हजार का पूरा, ये अनाज का पूरा स्टॉक करवा रखा है। तो इसके अंदर कोई नग से अगर खरीदे तो भाई कितना क्या पड़ेगा इसका? नग से तो जैसे वो कस्टमर देखने पर डिफरेंट है, अभी वो आप जैसे अगर किसी को ये बकरे की आवश्यकता है मतलब या वो करना चाह रहा है कि भी 1 महीने पहले से या 10 दिन पहले से, तो अभी तो ये माल मेरे पास अवेलेबल है, वो आके देख सकता है, और जैसे अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं जंगल से भी विजिट करा दूंगा। क्या कह रहे हो? जंगल से भी विजिट करा दूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे पर पीस के अंदर अगला बंदा जैसे हम क्या जंगल से विजिट करा के 400-500 रुपए पर पीस के लेते हैं, जैसे सुबह शाम तक चारों में घूम के जितनी हमारी मेहनत होती है हम चारों तरफ से घूम के अगले बंदे के एक जगह नहीं जमे, दो जगह नहीं जमे, जितनी जगह माल खड़े उतनी जगह घुमा के दिखाएंगे हम लोग, ऐसा है। अच्छा, तो अगर अप्रोक्सी अपन अंदाजा ही लगा लेते हैं तो एक पट्टी की जैसे आप बता रहे हो, हाँ, तो जैसे एक बकरे को लेके आप बता सकते हो अप्रोक्सी में कितने का आसपास का ये पड़ जाएगा? हाँ बता सकते हैं ना, कैसे नहीं, जैसे अभी ये सबसे ये हाइट का ये बकरा है, ये अपना ये वाला ये देखिए, अभी इसका वजन आपके मतलब 80-90 kg के करीब है, बिल्कुल, ठीक है, तो ये आपको ज्यादा नहीं तो करीब आपको मिल जाएगा ये 30-32 हजार के अंदर, 30-32 हजार का मिल जाएगा। तो
तो कितने से कितने तक की पट्टी माने भाई अप्रोक्सी अगर वो तो कस्टमर जैसे अगर वो आके इधर परचेजिंग करे, अभी देखो मैं मांगू मेरा माल के 50,000 तो मेरे को कोई नहीं देंगे, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब ये है, वो जैसे जिस कस्टमर को वो माल दिखेगा उसको भाई लगेगा हाँ मैं इतने तक माल ले सकता हूँ, तो अपन उस हिसाब से ऊपर नीचे करके रेट कर लेंगे ऐसा है। अभी मेरे पास 30 पीस है, अभी मैं इनको 40 या 60 करूंगा, अभी विजिटिंग और चल रही है जंगल में। अच्छा अच्छा, इसीलिए। तो सर जी आपका नाम और आपका फार्म का नाम बताओ। मेरा नाम है रवि, अजमेर राजस्थान। मेरा जो एड्रेस है विलेज काइड गांव जनाना हॉस्पिटल से करीब 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा जी, वाशुकोट फार्म के नाम से। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।